मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से कि आर्मी भर्ती क्यों नहीं आ रही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से कि आर्मी भर्ती क्यों नहीं। नमस्कार दोस्तों, पंजाब टुडे टीवी पर आपका स्वागत है, जहां आपको गोदी मीडिया का सच दिखाया जाता है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। पहले क्लिप में हम देखेंगे कैसे इस प्रवक्ता ने बीजेपी के सीएम योगी और पीएम मोदी को ऐसे सवाल पूछे कि ना ही रूह बिका और ना बीजेपी के प्रवक्ता उन प्रश्नों का उत्तर दे सके। बिना आतंकवाद को मिटाए हुए विकास नहीं हो सकता है। जान है तभी तो जहान होगी। जान है जहान है। देखिए रूबिका जी, जो चीज सुरेंद्र राजपूत साहब जानते हैं, पहचान की जरूरत तो नहीं। दो बातें बड़ी साफ हैं। आतंकवाद तो कांग्रेस के जमाने से हमेशा से मुद्दा था, है और रहेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये मुद्दा नहीं होगा। ठाकुर कह रहे हैं, मैं अनुराग ठाकुर, योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जी को चुनौती देता हूं, अगर उनमें हिम्मत हो, हैसियत हो और हौसला हो उनमें, तो काहे नहीं अखिलेश यादव के खिलाफ FIR कराते हैं। खाली बातें करेंगे ये लोग, FIR करवाएंगे। देखिए कुछ कार्रवाइयां तो सरकार करती है जो योगी जी ने की है, और कुछ कार्रवाई ये जनता को करनी है। ये जनता क्या डाल सकता है? आप मुसलमानों पर जो आतंकवाद के सिलसिले में केसेस लगे हैं उनको हटा दिया जाएगा, हाँ के नहीं? समाजवादी पार्टी में कोई अपराधी नहीं है, अपराधी भाजपा में है। अरे अपराधी, ये मेरी शर्ट तेरी शर्ट नहीं। आप वादा बताए, आप मुझे बताइए वादा हुआ था कि नहीं? समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से देश की सुरक्षा के साथ। अगला क्लिप देखकर आप भी अचंभित रह जाएंगे कि ऐसे भी लोग हैं जो इस लेवल की चाटुकारिता कर रहे हैं। हमारे लोगों को यूक्रेन से ला नहीं पा रहे और बातें हो रही हैं नरेंद्र मोदी के 56 इंच की छाती की। एक देश जो गलत का साथ देता है और गलत को सही कहता है, फिर उसकी तुलना तो पाकिस्तान से ही जायज है। कभी यूक्रेन ने भारत को समझा था बच्चा, आज भारत से मांग रहा है शांति की भीख। अटल के अपमान का मोदी ने ले लिया बहुत बड़ा बदला। अगले क्लिप में हम देखेंगे कंगना 2.0 वर्जन। बीजेपी के युवा नेता का ज्ञान इतने उच्च स्तर का होता है कि इसे समझने के लिए आपको मार्स से PhD करनी पड़ेगी। आजादी हुई है, ये 99 साल की लीज पर है, भारत कम्प्लीटली आजाद नहीं है। एक सेकंड, ये बहुत बड़ी बात कह रही है। 99 साल की लीज थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? जी हाँ, आप इतिहास के पन्ने उठाकर देखिए, उस टाइम पर जो ब्रिटिश सरकार में जो नेता थे, मैं बता रही हूँ। अरे सुन तो लीजिए पहले पूरी बात जी। जब स्वतंत्रता की बात चली और स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे, तो आदरणीय नेहरू जी और महात्मा गांधी जी जब आगे थे, तो सरकार देना नहीं चाह रहा था ब्रिटिश क्राउन, और उन्हीं की ही शपथ ली गई थी, क्योंकि उस टाइम पे इलेक्शन नहीं हुए थे। नेहरू गांधी ने किसकी शपथ ली थी? ब्रिटिश क्राउन की शपथ ली थी, ना कि भारत के संविधान की शपथ ली गई थी। ये मुख्य प्रधानमंत्री पहले बन गए थे, 1951 में चुनाव हुए, उसके बाद फिर पार्टी बनी, तब जाके अपना संविधान लागू हुआ था। और ये उस टाइम पे आपको भी पता होगा, आज के प्रधानमंत्री जब शपथ लेता है तो वो भारतीय संविधान की शपथ लेता है। नहीं, वो 99 साल की लीज मैं बता रही हूँ, ये ब्रिटिश क्राउन ने भारत को 99 साल की लीज पर दिया हुआ है, ये कम्प्लीटली आजाद नहीं है भारत। भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रवक्ता लल्लन टॉप अड्डे के मंच पर ये कह रही है कि हमें बरतानिया हुकूमत से, ब्रिटिश क्राउन से 15 अगस्त 1947 को जो आज़ादी मिली है वो 99 साल की लीज पर है। कहाँ लिखा है ये? मैं आपको प्रस्तुत, आप मुझे समय दीजिए, मैं आपको साक्ष्य प्रस्तुत कर दूंगी। क्योंकि ये अगर इतनी बड़ी बात है, ये तो आज तक किसी प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र नहीं किया, ना भाजपा के, ना कांग्रेस के, ना दूसरे। ऐसे ही अगले क्लिप में हमारे बीजेपी के युवा नेता अपने उच्च ज्ञान का उदाहरण देते नजर आएंगे, जिसमें उन्हें GDP की फुल फॉर्म भी नहीं पता। कोविड के आने के पहले से ही डाउनफॉल पर थी, इस पर क्या कहेंगे? महंगाई तो अभी इकॉनमी महंगाई बढ़ रही थी और इकॉनमी घट रही थी कोविड से पहले। ये कोई ऐसा तो है नहीं कि भाजपा की गवर्नमेंट के आते ही इकॉनमी घटनी शुरू हो गई। सर ऐसे ही हुआ है? हाँ ऐसा ही हुआ है। 91 ऑनवर्ड्स इकॉनमी ऐसे जा रही थी, अटल बिहारी वाजपेयी साहब रहे, 98 से 2000 तक ऐसे गई। कई अर्थशास्त्री कहते हैं कि उस सरकार ने जो फाउंडेशन तैयार की उसका UPA 1 को भी फायदा मिला और कंटिन्यूटी रही। अकेली भारत की गई क्या, तो दुनिया के सभी देशों की इकॉनमी डाउन, बहुत सारे देशों की इकॉनमी डाउन हुई। नहीं सर, वो तो सबप्राइम क्राइसिस के दौरान हुआ था 2014 से 2020 के बीच। लोगों ने कहा कि डिमोनेटाइजेशन की वजह से, आपकी पार्टी अब नाम भी नहीं लेती डिमोनेटाइजेशन, बरसी भी नहीं मनाती। आप लोग हर चीज का उत्सव मनाते हो, नोटबंदी का उत्सव नहीं मनाते हो, अभी 8 नवंबर को 5 साल हुए।
नोटबंदी की वजह से, जीएसटी जैसे लागू है, इन सब की वजह से जीडीपी नीचे गई, तो इस पे क्या सफाई है? देखिए अब तो कोरोना महामारी आ गई। अरे कोरोना के पहले ही जीडीपी नीचे जा रही थी। जीडीपी पे बात तो जब करेंगे, पहले जीडीपी की फुल फॉर्म पूछिए। ऐसा है, पूछिए, मैं चैलेंज करता हूँ, पूछिए पूछिए। नेता है, हवा हवाई नेता है, जीडीपी फुल फॉर्म बता दीजिए, उनको संतुष्ट कर दीजिए। ऐसा है भैया, इकोनॉमी के बारे बता दीजिए, क्या हो गया? इकोनॉमी के बारे में चार लाइन बोल दीजिए। ऐसा है भैया, जीडीपी के फुल फॉर्म बता दो, बात खत्म है यही सारी। ऐसा है भैया, आप किसी न्यूज चैनल के एंकर बन जाओ ना आप किसी न्यूज चैनल के एंकर बन जाओ। अगले क्लिप में हम देखेंगे क्या होता है जब गोदी मीडिया अपने शोज पर आम जनता को बुलाते हैं, तो आम जनता कैसे कैसे सवाल खड़े करती है बीजेपी के प्रवक्ताओं से कि बीजेपी और गोदी एंकर्स की बोलती बंद हो जाती है। किसी ने भी उनके हिंदू धर्म के अनुसार उनका लाश नहीं जलाया गया, संस्कार नहीं हो पाया जल्दी से। देश के शिक्षक और कर्मचारी जिनको आज 850 रुपया 1500 रुपया पेंशन मिलेगी, 1000 रुपये की गैस खरीदना पड़ता है, वो अपना जीवन यापन बुढ़ापे में कैसे चलाएगा यह बताने का कष्ट करें। जहां एक और राजस्थान सरकार ने जो है पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा कर दी है, छत्तीसगढ़ ने घोषणा करने की बात की है, और महाराष्ट्र में तैयारी चल रही है, यूपी में कब पुरानी पेंशन लागू होगी? पुरानी पेंशन को लेकर सब सवाल पूछ रहे। कांग्रेस नहीं लाती तो ये लोग पूरे टेढ़े के मेढ़े हो जाते, लेकिन प्रचार कभी कांग्रेस ने नहीं किया। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, जो अमित शाह थूक लगाकर पर्चा बांट रहे थे, उन्हें कौन सा जिहाद ये कहेंगे? कौन सा जिहाद? बलात्कारियों का जेल का सुरक्षा दे रहे राहुल गांधी, सोनिया गांधी का सुरक्षा क्यों हटाया गया? बेरोजगारी पे बताइए, क्या बेरोजगारी दी है? दो करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात आप लोगों ने की थी, कहां गया आपका रोजगार? युवा मर रहा है। अगले क्लिप का एडिट जिसने भी किया है उसे देखकर आप भी लोटपोट हो जाएंगे। देखें इस क्लिप में हमारे बीजेपी के नेता और बीजेपी के समर्थक अपना ही मजाक खुद ही कैसे बनवाते हैं। ये सब विद्यार्थी यूक्रेन में थे और वहाँ की परिस्थिति देखते हुए वो डरे हुए थे, तो वहाँ से वो नजीक का जो देश था उमानिया। यही नहीं, अभी और सुनिए, उस देश में बुखारिया करके जो कैपिटल है, अबे जो माफ करना मैं जो, उस देश में बुखारिया करके जो कैपिटल है, वाह क्या सीन है, उधर वो पहुंचे और वहां से ये प्लेन पकड़ के इंडिया मुंबई में आ गए। ठीक है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। नरेंद्र मोदी पर भरोसा करता है कि मोदी है तो मुमकिन है। 2008 में सीरिया में जब युद्ध हुआ था, आतंक था, मोदी ने भारतवंशियों को वहां से रेस्क्यू करने का काम किया। क्या बोला? 2008 में सीरिया में जब युद्ध हुआ था, आतंक था, मोदी ने भारतवंशियों को वहां से रेस्क्यू करने का काम किया। आर यू कॉमेडी मी? अरे कहना क्या चाहते हो? पहले आती थी हाले दिल पे हंसी। अगले क्लिप में हम देखेंगे हमारे नंबर वन गोदी एंकर सुरेश फ्रॉम सुदर्शन न्यूज कैसे अपने शोज पर पहले तो गेस्ट को बुलाते हैं और फिर कैसे वही गेस्ट सुरेश की खटिया कड़ी करते हैं। लोगों ने बहुत सवाल पूछे हैं। आप भी पूछ लीजिए। हाँ तो वही आपके, हम तो उन्हीं की तरफ से पूछेंगे। अच्छा, चलिए चलिए, हम तो आतंकवादियों की तरफ से नहीं पूछेंगे जैसे आप पूछते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो आतंकवादियों के साथ ही रहता हूँ। आज मैं JKLF के आतंकवादी का केस लड़ा, मैं तो आपके बीजेपी के भी केस लड़े। मैं तो बीजेपी का नहीं हूँ, मैं तो पत्रकार हूँ। आपके जो बीजेपी, आपका रुझान तो उसी तरफ है ना, आपकी चैनल का भी रुझान उसी तरफ, हम भी जानते हैं। तो मैंने उन लोगों के भी केस लड़े। ये मुद्दा जो देश के सामने है, पत्रकारों को वो मुद्दे लाने चाहिए, ना कि आप पाकिस्तान के पक्ष में हो। ये तो सरकार को पूछेंगे ना, और जब मिलते हम पूछते भी है। सरकार को भी नहीं पूछेंगे आप। मैं पूछता हूँ, मैं आपको इंटरव्यू दिखाऊंगा, लेकिन जब मुझे आप मिल जाए कपिल सिब्बल को, मैं आप कैसे लोगों को जानता हूँ, आप उनके, आप उन लोगों के, उनका विरोध होना चाहिए, उन लोगों के साथ हो जो देश के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। मतलब जो देश बचाने की बात करे, पता वो कौन देश बचा रहा है? तो आप देश बचा रहे हो, जो ये सवाल देश बचाने के लिए, तेरा टुकड़े आप समझते हो कि ये सवाल देश बचाने के लिए? हाँ, मैं नहीं समझता, देशभक्तों के सवाल है। अरे छोड़ो, तुम कौन, तुम आप लोग कैसे देशभक्त हो?
मैं सब जानता हूँ आप लोगों के असली। मैंने हिंदुस्तान के सबसे महंगे सबसे बड़े वकील कहा। आपकी इंटरव्यू का मकसद क्या है? मैं इसीलिए आप लोगों को एक्सपोज करने के लिए आपके सामने आया। हाँ तो आपने पहले तो आपको यही नहीं मालूम, आपने कहा कि नहीं कहा? मैंने बिल्कुल नहीं कहा, आपको यही नहीं मालूम। मीडिया में कैसे आया कि आपने ये कहा? क्योंकि मीडिया के आप जैसे लोग बैठे हुए तो अच्छा मौका है ना, आप हम आजकल चला रहे हैं। बोल दीजिए, मैंने बोल, हम दिखाएंगे। कब मैंने कहा कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए? हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं ना, उनको कहना चाहिए। बोलिए आप टीवी के सामने के गलत है, फिर पता चलेगा कि आप निष्पक्ष तरीके से इस चैनल में काम करते हैं। बोलिए बोलिए, मैंने सुना इस चैनल कहा है। अरे छोड़िए, अरे क्यों क्यों खबरें मिस हो जाती है? तुम आप अखबार नहीं पढ़ते? आप मिस हो जाती है, अखबार नहीं पढ़ते? आपका अखबार नहीं पढ़ते? नहीं पढ़ते? नहीं अभी सारी तो नहीं पढ़ते। अरे पढ़ ली आज सुबह? नहीं पढ़ी? नहीं पढ़ी। टीवी नहीं देखा? आज मैं आपके सीधे इंटरव्यू के लिए अपने आप को एक्सपोज। मुझे नहीं पढ़ा, मैंने सच बताया। अरे छोड़िए, अरे दूसरा क्या कहा? Like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.